छात्र राजनीति को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अब छात्र हिंसा को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल जेएनयू के लगभग 400 से 500 वामपंथी छात्रों ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जगदीश कुमार के आवास का घेराव किया और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से मारपीट भी की। छात्रों पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने आवास का गेट भी तोड़ दिया और घर में घुसकर तोड़फोड़ की। ऐसा लगता है कि देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन चुके जेएनयू विश्वविद्यालय के छात्रों का लाल आतंकवाद अब खुलकर सामने आ गया है। एबीवीपी के नेता सौरभ शर्मा ने तो इस घटना को नक्सली हमला तक करार दिया है। जेएनयू के कुलपति ने इस घटना की निंदा करते हुए ट्वीट किया, आज शाम छात्रों ने जबरन मेरे जेएनयू आवास में तोड़फोड़ की और मेरी पत्नी को कई घंटों तक घर के अंदर कैद रखा जबकि मैं एक बैठक में था। क्या यह विरोध का तरीका है, घर में अकेली महिला को डराना? हालांकि हमला करने वाले छात्रों ने सफाई में यह कहा है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे और आवास पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। आपको बता दें कि जेएनयू के ये वामपंथी छात्र पढ़ाई के अलावा उन सभी कामों के लिए मशहूर हैं जिनमें अक्सर अपने हित को साधने के लिए देश हित को नकार दिया जाता है। जेएनयू परिसर में भारत के टुकड़े होने के नारों से लेकर आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने की वजह से यह समूह पहले ही पाकिस्तान में बैठे उनके चाहने वालों की आंखों का तारा बन चुका है। देश के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकियों के समर्थन में नारे लगाने में इनको जरा भी खौफ नहीं है क्योंकि ये बात इन्हें भी पता है कि अगर सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो लिबरल पत्रकारों एवं बुद्धिजीवी जनों की पूरी गैंग देश भर में इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले के तौर पर प्रचारित करेगी। देश विरोधी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वालों को जेएनयू में एक नेता के तौर पर मान्यता दे दी जाती है और राहुल गांधी जैसे नेता अक्सर उनसे सहानुभूति जताने उनके पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। देश की मीडिया भी इन्हें एक्सपोजर देने में बिल्कुल नहीं कतराती और इनका इंटरव्यू लेने के लिए अक्सर हमें बड़े बड़े मीडिया समूहों के रिपोर्टरों की लंबी लाइनें नजर आती हैं। इस सिस्टम से कई छात्र नेता अपना करियर साधने में भी सफल हुए हैं। उमर खालिद और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं की उत्पत्ति इसी खोखले सिस्टम की वजह से हुई है। राजनेता कन्हैया कुमार तो आगामी लोकसभा चुनावों में सीपीआई की तरफ से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि देश के लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात होगी कि कभी देश विरोधी नारे लगाने वाला जेएनयू का छात्र नेता देश की संसद में जाने के लिए अपने आप को उम्मीदवार घोषित करे और सीपीआई जैसी पार्टियां उसका बाहें खोलकर स्वागत करें।